सेवा जोहार सगलोर नना बस्तरिया वट्टी दादी। गोंडी बोलने के मायने क्या है? गोंडी वड़कनत मायने बाता मनता इदेन पुंट इद महत्वपूर्ण चैप्टर आन नावा वीडियो तून हुड़ाट केंजाट और समझे मामट। साथियों, मेरे चैनल के आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। किसी समाज की पहचान, अस्तित्व, इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति को खत्म करना है तो सबसे पहले उस समाज की मातृभाषा को खत्म कर दीजिए। फिर वह समाज अपनी मूल पहचान, अस्तित्व, इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति को धीरे धीरे खो देती है। इसके बाद वह दूसरे समाज के संपर्क में आता है और उस समाज की संपूर्ण परंपरा एवं संस्कृति को मानने लग जाता है, उस संस्कृति को अपना संस्कृति समझता है, उस पर ही हमेशा गर्व करता है, जबकि वह परंपरा एवं संस्कृति अपने समाज की नहीं होती है। इसको समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। अगर आपकी मातृभाषा में किसी अन्य भाषा ने घुसपैठ किया तो आप समझिए आगे आपकी सांस्कृतिक अस्तित्व को खतरा है। इसीलिए भाषा इतना महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शब्दों में ही हमारा इतिहास छुपा है। शब्दों को हमारा केवल भाषा ही बचाता है, भाषा ही शब्दों को पकड़कर रखता है। दरअसल भाषा वो तिजोरी है जिसमें उसके मालिक की संस्कृति एवं इतिहास की पूंजी सुरक्षित रखी होती है। इसीलिए आधुनिक मनुष्य, जिसे जागरूक कहा जाता है, वह अपनी भाषा की सुरक्षा एवं विस्तार के लिए इतना सजग बन गया है, क्योंकि उसको पता है अगर मातृभाषा अगर लुप्त हो गई तो अंततः उसकी पहचान भी मिट जाएगी। सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक शोधों में भाषा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अगर प्रतीकों के नाम बदल दिए गए या दूसरे शब्दों में प्रचलित कर दिया गया तो भावना शायद वही रहे परंतु उसका मूल स्वरूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए आया, माँ, अम्मा, मदर, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, जन्म देने वाली। पर आया कहते ही गोंडिन परिधान, सूता या रुपया माला पहने या गोदना किए हुए जन्मदायिनी की छवि सामने आती है, जो छवि माँ, अम्मा, मदर कहने से क्रमशः बदलती जाती है। ठीक वैसा ही पेन को देव, भगवान, ईश्वर, अल्लाह और गुड या गुडी को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा और नार को गांव, मोहल्ला, शहर, नगर इत्यादि शब्दों से कहेंगे तो भावना शायद वही रहे परंतु उसका मूल स्वरूप बदल जाता है। उपरोक्त उदाहरण की तरह इन्हें भी हम समझते हैं। पेन कहते ही हमारे पुरखों की पेन बाणाओं की छवि सामने आती है, जो छवि देव, भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहने से क्रमशः बदलती जाती है। गुड या गुड्डी कहते ही गायता, पुजारक, पेरमा, वड्डे, सिरा की
पारंपरिक रूढ़िगत व्यवस्थाओं की छवि सामने आती है, जो छवि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहने से क्रमशः बदलती जाती है। ठीक ऐसा ही नार कहते ही नार का गायता, पटेल, सिरहा, कोटवार, मांझी की पारंपरिक रूढ़िगत व्यवस्थाओं की छवि सामने आती है, जो छवि गांव, मोहल्ला, शहर, नगर कहने से क्रमशः बदलती जाती है। स्थान वही रहता है परंतु उसका मूल स्वरूप बदल जाता है। ये बदलाव धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद आपकी संस्कृति एवं इतिहास की मूल स्वरूप को बदल देता है। जैसे आपकी जमीन के पट्टे में आपके पुरखों की जगह दूसरे का नाम हो जाए, फिर वह जमीन में दूसरे का नाम हो जाएगा और उस जमीन का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। ठीक इस आसान उदाहरण की तरह अगर शब्द बदलेंगे तो आपके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर की छवि बदल जाएगी और फिर आपकी वर्तमान पृष्ठभूमि से आपके इतिहास का तालमेल नहीं हुआ तो आपको उन सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक प्रतीकों से वंचित कर दिया जाएगा, उसे छीन लिया जाएगा। इतिहास ऐसे ही बदला जाता है, इसीलिए यह जानना अति आवश्यक है आखिर गोंडी बोलने के मायने या मतलब क्या है। दरअसल गोंडी भाषा सहज है, सरल है, मृदुभाषी है, प्राकृतिक है, यह प्रकृति के नजदीक ले जाता है। गोंडी बोलने वाला गोंड या कोइतु इतिहास को महिमा मंडित करने की प्रतिस्पर्धा में नहीं रहा है। दरअसल उसके सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वह प्रकृति केंद्रित है। जो प्रकृति एवं उनके जीने के तरीके के से ही अभिव्यक्त होती है, जिसे वह रेला पाटा गाकर अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है और गाना भाषा को अधिक सहज एवं सरल बना देता है। गोंडी भाषा के अक्षरों एवं शब्दों में अतिरिक्त ऊर्जा अपव्यय नहीं होता, कंठ एवं जीभ को अतिरिक्त मेहनत करनी नहीं पड़ती। जैसे गोटुल, बुमकाल या पेन इत्यादि, हम कह सकते हैं लिखना कृत्रिमता है, गाना सहजता प्राकृतिक, लिखना युद्ध है तो गाना सामुदायिकता, लिखना हिंसा है तो गाना अहिंसा, लिखना क्रोध है तो गाना भावुकता। गोंडी सहज अभिव्यक्ति है, इसमें कठिनता नहीं। दरअसल जो भाषाएं स्वयं कठिन है उसी भाषा ने उन कठिन लोगों के व्यवहार को और भी अधिक कठिन बना दिया और वे वास्तविक नहीं बहुत अधिक बोलने वाले बन गए या हैं। उनकी रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं जो कठिन है, उनके अक्षरों एवं शब्दों के उच्चारण में अतिरिक्त ऊर्जा का व्यय होता है, कंठ एवं जीभ को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इसी कठिनता ने ग को घ बना दिया और बा को भा और फिर गोटुल को घोटुल और भूमकाल को भूमकाल। देखिए किस तरह से स्वरूप बदल दिया गया। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन गोटुल को भाषाई और साहित्यिक अतिक्रमण ने घोटुल बनाकर महज नाच घर के रूप में प्रस्तुत किया।
ऐसी ही इतिहास की पृष्ठभूमि बदली जाती है। मातृभाषा संस्कृति की वाहिका है, मतलब मातृभाषा संस्कृति को लाद कर बोह कर या डोह कर ले जाती है। मातृभाषा से ही हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक भावनाओं का विस्तार होता है, हमारी लोकगीतों की रचना होती है, लोकगीतों के अनुसार लोक नृत्य होता है। मातृभाषा में हमारी संस्कृति की ऐसी परंपरा निहित होती है जो दूसरी भाषा में संभव नहीं है। हमारी सांस्कृतिक पहचान तभी मजबूत हो सकती है जब हमारी मातृभाषा मजबूत हो। यह अतीत का प्रश्न नहीं है, यह भविष्य का विषय है। इससे हमारा वर्तमान और भविष्य जुड़ा हुआ है। मातृभाषा व्यक्ति का बुनियाद है, मूल जड़ है। हर भाषा में अपना एक इतिहास होता है, अपना जीवन दर्शन होता है। भाषा विलुप्त होती है तो दुनिया में उस भाषा को बोलने वालों की पूरी पहचान मिट जाती है। मातृभाषा उस समुदाय का हृदय है। मातृभाषा को बचाना मतलब अपना जीवन मूल्यों को बचाना है। इसीलिए मातृभाषा जैसे गोंडी, भत्री, माड़िया, हल्बी, कुड़ुक इत्यादि भाषा बोलने का महत्व है। समाज के बच्चों को मातृभाषा से प्रारंभिक शिक्षा मिलती है तो बच्चों को समझने में आसानी होती है। भाषा संस्कृति से जुड़ी है और संस्कृति ही हमारे संस्कार की जननी है। फिर वही संस्कार अपनी आदत, व्यवहार एवं प्रवृत्ति में आता है और अंत में वह हमारा जीवन शैली बन जाता है। इसीलिए भाषा इतना महत्वपूर्ण विषय है। हमें 3 फार्मूला भाषा का पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पालन हो। सभी को हर समाज की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे समाज की संस्कृति का अपमान, बदनाम या दूसरे संस्कृति पर आक्रमण करना या दूसरी संस्कृति को थोपना यह उचित नहीं है। गोंडी बोलने के मायने को अच्छे से समझना है या अच्छे से पढ़ना है तो मेरी एक किताब है, कोयमर्री गोंडी पल्लो कल्याण, उसमें संपादकीय लिखे हैं विश्वविख्यात लेखक, साहित्यकार, व्याख्याकार एवं एर मेहतना एक महान गोटूर के लेखक डॉक्टर तिरुमाल हरीश मरकाम, उसे अवश्य पढ़िए। मेरी वीडियो पसंद आए तो साथियों ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नाव वीडियो विचार वाते लाइक किम्ट, शेयर किम्ट, कमेंट गला लिखे किम्ट और आखिरी बेराते सब्सक्राइब किला मरंग माट ताना पजा घंटी बटन तुम आश्चिंट इदान कीते नाव पुनः वीडियो तक खबर मुने पुटाल नेट तक वीडियो ते इचो मनी नाव तिकेडा यानि बस्तर या वट्टी दादी तिकेडा मीकुन वल्लेंड वल्लेंड जय जोहार सेवा जोहार सेवा 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 मान।